दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि वायर का सही टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम वायर का सही तरीके से टर्मिनेशन करना सीखेंगे। और दोस्तों आप जो टर्मिनेशन करते हैं वो किस तरीके से गलत है और सही टर्मिनेशन का तरीका क्या है, हम वो इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप जो टर्मिनेशन करते हैं वो किस तरीके से गलत है। इसके लिए दोस्तों हमने यह वायर लिया है, इस वायर को हमने यहाँ से काट लिया है। काटने के बाद दोस्तों हम इन वायर को थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। अब दोस्तों छीलने के बाद जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो वायर को इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम भी इस तरीके से एक बार ट्विस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वायर को अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर लिया है। प्लायर्स से हम इसको दबा लेते हैं और अच्छी तरीके से घुमा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वायर का टर्मिनेशन हो गया है। अब फ्रेंड्स हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि यह तरीका सही है या गलत है। अब हम इस वायर को थोड़ा सा जोर लगा कर खींचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हल्का सा जोर लगाया है, उतने में ही वायर यह निकल गया है। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है यह तरीका गलत है और मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिशियन भाई हैं वह इसी तरीके से टर्मिनेशन करते हैं। अब दोस्तों जो दूसरे तरीका है टर्मिनेशन करने का वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए भी फ्रेंड्स हमने वायर को वापस से छील लिया है। वायर को छीलने के बाद अब हम वायर को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमने वायर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया है और ये जो तरीका है फ्रेंड्स ये तरीका भी मोस्टली लोग करते हैं। अब इसको हम प्लायर से भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा इसको खींच के देख लेते हैं कि ये वायर निकलता तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं खींचने पर यह वायर धीरे धीरे खुल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है वायर टर्मिनेशन करने का यह भी गलत है। अब फ्रेंड्स वायर टर्मिनेशन करने का सही तरीका क्या है हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हमने दोस्तों वायर को वापस से काट लिया है। अब दोस्तों हम इसका इंसुलेशन हटा लेते हैं। इंसुलेशन हटाने के बाद अब इस वायर को हाफ में से आपको इस तरीके से क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद दोस्तों आपको एक बार इस वायर को इस तरीके से मोड़ना है और दोस्तों मोड़ने के बाद इस वायर को इस तरीके से आपको दूसरे वायर पर घुमाना होगा। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये सही तरीका है। आप इस तरीके से वायर को इस पर घुमा दीजिए। घुमाने के बाद दोस्तों हम प्लायर का यूज़ कर लेते हैं और प्लायर से अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको दो प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ से इसको आप पकड़ के रखिए और दूसरे तरफ से प्लायर से घुमाइए। घुमाने के बाद दोस्तों ये टर्मिनेशन कम्प्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स इन वायर को भी हम खींच के देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा जोर लगा लिया है। पूरा जोर लगाने पर भी ये वायर आपस में से नहीं छूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टर्मिनेशन है यह टर्मिनेशन सही है। तो फ्रेंड्स अब आप सीख गए होंगे कि वायर का टर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।